जिले को 15 अक्टूबर को ODF घोषित करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। सब कुछ ठीक रहा तो 15 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जिले को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने विकास भवन स्थित कार्यालय में विशेष बातचीत में बताया कि गोरखपुर जनपद में 1314 ग्राम पंचायतों में 31 ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष सभी ग्राम पंचायतों में ODF का कार्य पूर्ण हो गया है। CDO ने बताया कि गोरखपुर जनपद में 5,40,000 शौचालय बनाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित हुआ है, जिसमें से 5,32,000 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष बचे शौचालय का निर्माण भी 2 दिनों के भीतर कर लिया जाएगा। CDO अनुज कुमार सिंह ने बताया। 3 मांगता है वो, जबकि उसके परिवार में टोटल जोड़ा जाए तो 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य के लिए 3 शौचालय कोई मतलब उसका तुम नहीं मतलब, वो तो बस सरकारी धन का अपव्यय है। इसलिए भी मानते हैं मेरे बेटा साल के लिए अलग हुआ, 1 साल के बाद आज ही शौचालय दे दो। हाँ, तो हम लोगों ने ये मानक बनाया है कि अगर किसी परिवार में 5 तक सदस्य है तो वहाँ पे 1 शौचालय, अगर 5 से लेकर 10 तक है तो फिर वहाँ पे 2 हो सकते। अगर भले ही परिवार 1 को लेकिन अगर 10 लोग हैं तो वो 1 छोटे से शौचालय में, वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी जिसकी घर भी है और उसके बाद अगर खुले में जा रहा है तो फिर 500 रुपए का जुर्माना। देखिए, 15 अगस्त को ODF घोषित करने के लिए जो ग्राम सभा द्वारा स्वघोषणा के आधार पे अभी हमारे लगभग सभी गांव ODF के करीब हैं। अभी मात्र 31 गांव और ऐसे शेष हैं जिनको अभी ODF घोषित होना शेष रह गए, जो अगले 2 दिन में घोषित हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 15 अक्टूबर के अंदर जनपद को ODF घोषित कर देंगे। इसके उपरांत एक और सर्वे यह चल रहा है, इस बात का चल रहा है कि जो जो परिवार हमारे अभी भी शौचालय विहीन है, शौचालय से अभी वंचित हैं, उनके लिए सर्वे चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने हमारे उच्चाधिकारी जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के निर्देश में हम लोगों ने यह मानक तय किया है कि अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो उसके लिए उसके आवास के लिए 1 शौचालय की व्यवस्था होगी, और अगर उसके परिवार में उसके पुत्र हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अलग रह रहा हो और उसके परिवार की संख्या बहुत अधिक हो, 10 तक हो, तो उसके लिए फिर 1 और अतिरिक्त शौचालय भी उसे दिया जाएगा, जिससे कि वो उसे बाहर जाने की नौबत ना आए। सर, कितने ग्राम सभा में कितना लक्ष्य था, कितना निर्धारित था, कितना रुपये था? देखिए, कुल मिला के 1354 ग्राम पंचायतें हैं हमारी, और अभी तक जो लक्ष्य हमें मिला है 31 गांव को छोड़ के सभी हमारे ग्राम पंचायतें, सभी हमारे राजस्व ग्राम, 31 राजस्व ग्राम को छोड़ के हमारे ODF हो चुके हैं। कुल 5,32,000 शौचालय का हमारा लक्ष्य था, और इसमें हमारी जियो टैगिंग जो है वो 80% के आसपास पहुंच गई है, और निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और हम अगले 15 तारीख तक भीतर हम इसे तकरीबन हम इसे पूरा कर लेंगे। सर, इतने शौचालय निर्माण के बाद भी कुछ लोग खुले में शौच जाते हैं, तो क्या इनके लिए कुछ जुर्माना या इस तरह का दंड का प्रावधान भी है? देखिए, 15 तारीख के बाद अगर किसी ने शौचालय का लाभ लिया है और फिर भी अगर वो बाहर शौच करने को जा रहा है तो वो एक तरीके से समाज के लिए एक हेल्थ न्यूसेंस बन जाता है, क्योंकि अगर गाँव में एक भी व्यक्ति शौच करने के लिए बाहर जाता है तब तक गाँव का ODF होने का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति जाता है तो वो ODF के क्या जो लक्ष्य है उसको वो डिफीट करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर 15 तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति शौचालय का उसको योजना का उसको लाभ मिला है तो हम उसके खिलाफ आर्थिक दंड और उसको कुछ ऐसे तरीके हम लगाएंगे जिससे कि वो शौचालय का उपयोग करने को प्रेरित हो। नहीं, बिल्कुल जागरूक करने की आवश्यकता है, बार बार इस चीज़ को लेकर प्रयास भी चल रहा है, और हम लोग जैसा अभी आप लोगों के द्वारा ही बताया गया और काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया गया, हम लोग भी इसमें फॉलोअप वाली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम और बढ़ाएंगे। सुबह शाम जो लोग हमारे जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो बाहर शौच ना करें, उसको हम लोग और बढ़ाएंगे, जिससे कि बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में घटे और हमारे ODF का लक्ष्य पूरा हो सके।